नमस्कार, मैं ज्ञानु चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि 16 दिसंबर से ऑनलाइन परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं सीटेट की, और ये पहली बार ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जा रही हैं। इससे पहले सीटेट की ऑफलाइन परीक्षाएं हुआ करती थी, और हम हर रोज़ एग्जाम सेंटर पर जाके रिव्यू भी ले रहे हैं, कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। तो एक चीज़ हमने नोटिस की है कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं, मोस्टली क्या है कि फीमेल कैंडिडेट ही ज़्यादा होते हैं सीटेट में। तो फीमेल कैंडिडेट को एक प्रॉब्लम आ रही है, वो है कंप्यूटर चलाने की। कि क्या है कि इस बार जो ऑनलाइन परीक्षाएं सीटेट की कराई जा रही हैं, तो ज़्यादातर जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्होंने कभी पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया था, इसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि जो कक्ष निरीक्षक होते हैं, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, वो उनकी हेल्प कर देते हैं, लेकिन हेल्प में क्या है कि आपको एग्ज़ाम टाइमिंग में ही वो आपकी हेल्प करते हैं। 150 मिनट हैं आपके लिए, और 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आपके 10-20 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं कि पूछने में कि कैसे इंग्लिश से हिंदी में होगा। अगर कोई क्वेश्चन हम पे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, उसका हम बाद में देंगे, तो फिर उस क्वेश्चन पे कैसे पहुंचेंगे। तो सारी इन चीज़ों को करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ उनसे कहना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें आप अपने घर से ही सीख कराएँ, जिससे कि आपका एग्ज़ाम टाइम के दौरान समय बर्बाद ना हो। और दूसरी बात, जो कमेंट आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट के, उनका एक जो आंसर आ रहा है, हालांकि मैं सबके लिए उसका रिप्लाई दे रहा हूं, लेकिन मैंने समझा कि एक वीडियो बना दी जाए कि जिनका 16 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है और 17 दिसंबर को दोनों शिफ्टों का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, वो एग्ज़ाम कब होगा। सबसे बड़ा अहम रोल यही होता है, क्योंकि वो भी कैंडिडेट अपनी तैयारी कुछ ने बंद कर दी है, या आप क्या करें क्या नहीं करें उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सीटेट की जो ऑनलाइन परीक्षा का जो शेड्यूल है, वो 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी 2022 तक का है। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपको बताइए कि ये परीक्षाएं पोस्टपोन हुई हैं, कैंसिल तो नहीं हुई हैं, तो परीक्षाएं तो होनी है, लेकिन इतना तो आप भी समझ सकते हैं कि जो शेड्यूल बना हुआ है उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम चलने वाले हैं आगे तक, क्योंकि अभी सर्वर प्रॉब्लम नहीं हुई है। कल भी एग्ज़ाम अच्छे से हुए हैं 20 दिसंबर को, आज भी 21 दिसंबर को एग्ज़ाम अच्छे से हुए हैं। यानी कि या तो आपको 14 जनवरी को, यानी कि 16 दिसंबर वाला जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है, अगर वो 16 जनवरी 2022 को होता है, तो 17 दिसंबर का 15 जनवरी को होगा। और अगर एक दिन का गैप ले लेते हैं, जैसे कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति की वजह से अगर एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, तो 15 जनवरी और 16 जनवरी 2022 में जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं वो हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि रेगुलर ही होते हैं, TCS के द्वारा रेगुलर एग्ज़ाम कराए जाते हैं। लेकिन जो 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी का शेड्यूल है, उसमें कुछ गैप और है, एक दो दिन का गैप है। अगर उनमें करा दिया जाए या नहीं करा दिया जाए, इस बारे में अभी कोई भी साफ नहीं है। हालांकि जो भी एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास मैसेज के थ्रू आपको सूचना दे दी जाएगी कि आपका एग्ज़ाम कब होना है, जिनका पोस्टपोन हुआ है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अपनी तैयारी बरकरार रखें, और हम हर रोज़ एग्ज़ाम सेंटर पर जाके रिव्यू भी करा रहे हैं, तो उसे भी आप देखिए, अच्छे से समझिए। और बाकी कुछ नहीं है ज़्यादा, प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप प्रीवियस ईयर से थोड़ी तैयारी कर लीजिए, और बेटर रहेगा कि आप ऑनलाइन तैयारी करें, जिससे कि आपको समझने में थोड़ी हेल्प मिले। क्या है कि आपको स्क्रीन पर पहली बार क्वेश्चन दिखेंगे तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, क्या है कि अगर आप ऑनलाइन तैयारी करेंगे तो आपकी डेली रूटीन में वो चीज़ें आ जाएंगी, तो आपको एग्ज़ाम के दौरान कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। बाकी सीटेट से रिलेटेड अगर कोई भी ज़रूरी जानकारी आती है, तो मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाता रहूँगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से करके बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आसानी से आप तक पहुँच सकें। और आप अपनी तैयारी रखिए, जिनका कल एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है, तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।